आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड में। तो बेसिकली जो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं उन मूवीज की बात करने वाला हूँ जो अभी भी सिनेमाघरों में चल रही हैं, और उन मूवीज के बारे में बात करूंगा और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जिस मूवी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है जनहित में जारी, स्टारिंग नुसरत भरूचा। तो बेसिकली इस मूवी ने अभी तक कलेक्शन जो किया है वो 2.19 करोड़ का ही किया। लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे को इसका मिला के 2.19 था। पहले दिन तो इसका 43 लाख ही था, धीरे धीरे मूवी ने ग्रो किया है, 1 करोड़ में भी आई है। और बेसिकली मूवी उतने ज्यादा हाई बजट की नहीं है, इसका बजट 2-3 करोड़ ही होगा, तो एक हिसाब से इसके लिए जो है ये कलेक्शन अच्छा है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा लास्ट फ्राइडे जो रिलीज हुई थी मूवीज, वो थी पृथ्वीराज, विक्रम और मेजा। 3 बड़ी मूवी थी, एक हिंदी थी इसमें, एक तमिल थी, एक तेलुगु थी। जिसमें सबसे ज्यादा जिसने बाजी मारी है वो है तमिल ब्लॉकबस्टर मूवी विक्रम, जिसमें जो है विजय सेतुपति हैं, फहद फासिल हैं, और जो सबसे बेहतरीन एक्टिंग मुझे जिनकी लगी वो थे कमाल हसन। तो बेसिकली मूवी ने 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया है, और उसके बाद अगर बात करें आप इंडिया की तो 180 करोड़ मूवी कमा चुकी है इंडिया में। और अभी आने वाले टाइम में भी ये मूवी ही चल रही है और कोई मूवी नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज जिसके साथ जो आई थी वो बुरी तरीके से पिट चुकी है। 62 करोड़ सिर्फ कमाया है पृथ्वीराज की बात करूं तो, और पहले वीक में 55 कमाया था, और इस वीकेंड में उसका कलेक्शन था सिर्फ और सिर्फ 7.3 करोड़, जो कि एक काफी ज्यादा वीक है। और ये मूवी 80 करोड़ भी नहीं जाएगी, 80 करोड़ क्या, 75 करोड़ पे ही ये मूवी दम तोड़ देगी। तो और ये हाई बजट मूवी थी तो ये पूरी तरीके से डिजास्टर साबित हो गई है। उसके बाद मैं बात करूंगा मेजर की। मेजर का अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैं हिंदी की बात करूं तो 9.47 करोड़ था, जो कि बुरा कलेक्शन नहीं है, अच्छा कलेक्शन है। इसके जो प्रोड्यूसर है महेश बाबू, उनकी वजह से काफी ज्यादा लोग गए देखने के लिए। 9.47 करोड़ इन हिंदी इज नॉट बैड, बिकॉज आदि विशेष की ये डेब्यू थी हिंदी में। और बाकी अगर इंडिया की बात करें तो 60 करोड़ कमा लिया है इंडिया में मेजर ने। उसके बाद भूल भुलैया 2 पे आते हैं हम। भूल भुलैया 2 जो लास्ट बहुत पहले आई थी, फिर भी वो इस वक्त जो हिंदी मूवीज में सबसे ज्यादा अच्छा कलेक्शन कर रही है, अपने फोर्थ वीकेंड पे भी 8.02 करोड़ कमाया है, और इस वक्त उसका टोटल नेट है 171.17 करोड़। और 171.17 करोड़ है, और मूवी अब ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है पूरी तरीके से, जिसको कार्तिक आर्यन थी इसमें। और अभी भी आगे आने वाले टाइम में भी कोई मूवी नहीं है, इस फ्राइडे भी कोई मूवी नहीं है हिंदी में। एक चल रही है जनहित में जारी, और एक चल रही है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज तो दम तोड़ चुकी है, और जनहित में जारी हाई बजट मूवी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 करोड़ का कलेक्शन और ही करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है भूल भुलैया 2 180 करोड़ तक जाएगी, या मुझे लगता है अगर ये 182 के आगे जाएगी तो ये बैंग बैंग का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो क्या अगर आपको लगता है कि बैंग बैंग का रिकॉर्ड तोड़ेगी वो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही अपडेट रोज चाहिए तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।